और अब बात मातमी मंदसौर की, जहां पर एक और मौत हुई है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के 9वें दिन भी किसानों का गुस्सा नहीं थम रहा है। आज भोपाल इंदौर हाईवे पर किसानों और पुलिस के सामने आमने सामने हालात बिगड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मंदसौर में पुलिस की पिटाई से घायल एक किसान की मौत हो गई, तो दूसरी तरफ राज्य के रायसेन जिला निवासी किसान श्री कृष्ण मीणा ने आत्महत्या कर ली। उन पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। बता दें कि अब तक 9 किसानों की जानें जा चुकी हैं। इससे पहले मिली जानकारी के मुताबिक मंदसौर जिले में लगे कर्फ्यू में आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ढील दी गई थी। पुलिस की तरफ से मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक मंदसौर में हिंसा से जुड़े 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 100 लोगों को हिरासत में लिया गया। और इस वक्त हमारे साथ अवधेश भार्गव जी मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अवधेश भार्गव जी, स्वागत है आपका। अवधेश भार्गव जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक 9 किसानों ने दम तोड़ दिया है, संघर्ष की तस्वीरें लगातार हम देख ही रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि चीजें अभी तक हमें लगा कि पटरी पर आ रही थी, लेकिन हालात अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। क्या लगता है, कहाँ कमियां रह गई हैं? देखिए मैडम, मध्य प्रदेश में इस समय अराजकता की स्थिति है। आज भोपाल राजधानी के पास संध्या में आगजनी हुई, बसें जलाई गई, ट्रक जलाए गए, बसें वो तो प्रशासन फोर्स के लिए अधिग्रहित कर रहा है, वो बसें जलाई गई। दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री ने अपना दर्द उड़ेला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने कहा हो गए हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, इसलिए सुबह 11 बजे से रेल के दशहरा मैदान में, जो अन्ना नगर झुकी बस्ती के पास है, जहाँ ये सरकारी कार्यक्रम किया करते थे, वहाँ खुले मैदान में जरूरी शिक्षा भेज जाएगी। और एक बात बताइए, ये कैसा अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय है कि सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारियों को उठाने की, फिर ऐसे समय में ऐसे गैर जिम्मेदार निर्णय, इतना हंगामा नहीं बढ़ता। जिद पकड़ती है, हमारे मुख्यमंत्री जी आदत है जिद पकड़ने की। एक ही बात कहते मैं हूँ ना, एक ही सब दिन का रहता है। इन्होंने, इनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, इनकी सरकार फेल रही, इनका गृह मंत्री पल पल में बयान बदलता रहा, दूसरा मुख्यमंत्री पल पल में मुआवजे की दरें घटाते बढ़ाते सौदेबाजी करते रहे, 1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे। अब आप ये बताइए कि 1 करोड़ मुआवजा आप देंगे तो ये किस कोष से देंगे? आपके पास कौन सा ऐसा कोष है? जनता के खेत में पैसा आप दूसरे लोगों को भी भड़काना चाहते हैं। आज बघेल खंड में भी सतना मैहर पूरा आंदोलन की चपेट में आ गया, पूरा भोपाल राजधानी के आसपास का 17 ब्लॉक, 13 ब्लॉक, ये सब आंदोलन की चपेट में आ गए। शहर में तस्वीरों में ये भी देखा गया कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के ऐसे थे जो भीड़ को भड़का रहे थे, जो तस्वीरें दिख रही थी, सवाल उन पर भी अब उठ रहा है। नहीं देखिए, कांग्रेस ने शुरू में इनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा था कि हम किसान आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो भी प्रतिनिधि है, वो भी जनता के प्रभावित है, जहाँ किसान मरे हैं, क्या सरकार में देखने गया, क्या अस्पताल में उनको देखने गया, क्या ये सत्ता पक्ष? यही सवाल है कि सियासत तो इस वक्त किसानों के मुद्दे पर पूरे देश में हो रही है, लेकिन जो चीजें हैं, जो स्थिति है, वो भी सबकी नजरों में है। बड़ा सवाल ये है कि कहाँ कौन सा फेल्योर रह गया है, कहाँ चीजों में कमियां रह गई, जो स्थिति सुधर नहीं पा रही है, किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इन्होंने निर्णय ही गलत दिए। पहले भी गोलीकांड ऊपर था, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। इनका गृह मंत्री, इनके पुलिस के आला अधिकारी कहते रहे कि हमने गोली नहीं चलाई, पुलिस को कोई आदेश नहीं दिया, पुलिस ने नहीं चलाई। फिर रात बोले नहीं हमने चलाई, फिर दूसरे बोले हमने नहीं चलाई। अगर ये उसी दिन कलेक्टर एसपी को हटा दे, स्थिति नियंत्रण में आ जाती। आपने 3 दिन बाद हटाया, आपकी नाकामी हो जाती। और आज मुख्यमंत्री की घोषणा से कि मैं खुले मैदान में बैठ जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी नाकामी उजागर हो गई है जी। अवधेश जी, मंदसौर में एक और किसान की मौत हो गई है। किसान पहले जख्मी हुआ और आज उसने दम भी तोड़ दिया। आज दम तोड़ दिया, लेकिन सरकार, मध्य प्रदेश शासन का गृह मंत्री ये मानने को तैयार नहीं है। वो आज भी, अब 8 लोगों की मौत हो चुकी है,
लेकिन वो आज भी 5 लोगों की मृत्यु की बात करता है अपने बयान में। तो जो गृह मंत्री अड़ियल हो, जो मुख्यमंत्री अहम वाला हो, जो आप अपनी जिद पर अड़ा हो, वहाँ आंदोलन कैसे होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवधेश भार्गव जी आपका। तो एक बड़ी प्रशासनिक चूक यहाँ पर देखने को मिली है, प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर जो स्थितियां हैं वो सुधर नहीं पा रही हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और एक और किसान ने दम तोड़ दिया है इस हिंसा के बाद। और इस वक्त हम आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे। संजय सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं देख लेते हैं। शिवराज सिंह सरकार ने किया है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और छोटी से छोटी घटना पर प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके अपनी संवेदना और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन इतने बड़े मामले में वो पूरी तरीके से खामोश है। सर यहाँ पे केजरीवाल भी आएंगे क्या यहाँ पे किसानों से मिलने? अब वो देखिए क्या कहते, पहले उनकी बात सुन ले प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है। संजय सिंह को इस मामले पर सियासत भी अब तेज हो गई है। संजय सिंह वहां पर पहुंचे हैं, आपका एक प्रतिनिधिमंडल आज वहां पर पहुंचा था, और जो हिंसा की तस्वीरें हैं, जो स्थिति है, फिर भी वो बदल नहीं रही है। एक किसान ने और दम तोड़ दिया है, और सियासत इस मसले पर इस वक्त पूरे देश में जारी है।